हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेन पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज पेड कोर्स के अंतर्गत आप लोगों के लिए उत्कृष्ट एकेडमी का सीटेट पेड टेस्ट 4 लेकर के आया हूं मैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को पहले नहीं दे पाया था, लेकिन आज सीधे इसका वीडियो दे रहा हूं। आप लोग चाहेंगे तो इसका पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, कल वाले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। कल के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। क्या पूछा था कि शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है और सबके कमेंट बिल्कुल पॉजिटिव थे, यानी कि सही कमेंट थे। ठीक है, तो जो शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र होता है उसको हम कहते हैं कि ई ए अपान सी ए इंटू हंड्रेड। ई ए का मतलब एजुकेशनल एज, यानी कि शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मैं लिखना चाहूँगा, आप लोग चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। कहते हैं कि शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। ये क्या है, ये आपका शैक्षिक, जो आपके शैक्षिक लब्धि होती है उसको निकालने का सूत्र है। काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन कल हमने पूछा गया था कि बालकों के बौद्धिक विकास की, क्या कि बालकों के बौद्धिक विकास की 400 स्पष्ट अवस्थाओं का अध्ययन किसने किया है। तो उसके लिए सही जवाब था आपका जीन पियाजे ने बालकों के विकास की 400 स्पष्ट अवस्थाओं का अध्ययन किया। आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो निर्देशन और परामर्श जो है के हिस्सा आपके होता है। हालांकि परामर्श को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहा जाता है। और काउंसलिंग का मतलब कि जब बालक किसी टीचर से या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से किसी संदर्भ में कुछ पूछता है तो उसको क्या कहा जाता है, परामर्श कहा जाता है। अंतर याद रखिएगा, निर्देशन और परामर्श में एक अंतर होता है कि निर्देशन जो है वास्तव में वह बिना पूछे शिक्षक छात्रों को देता है, जबकि परामर्श जो है यह छात्र जो है वो अपने शिक्षक से पूछ करके लेता है। निर्देशन में छात्रों को बोलने की कोई अनुमति नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा निर्देशन होता है वो वन वे होता है। क्या होता है, वन वे होता है, जबकि जो आपका परामर्श होता है उसमें दोनों पक्ष आपके सक्रिय होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकों का जो परामर्श किया जाता है वास्तव में उस परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। पहला है कि बच्चों को समझाना, जो परामर्श है तो बच्चों को समझना नहीं यहाँ पर होना चाहिए, समझाना होना चाहिए, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो ये तीनों जो है परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, चौथा वाला होगा, विकल्प डी सही होगा। देखो बेटा, ध्यान दीजिए कि जब हम सीटेट की बात करते हैं ना, तो सीटेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप तथ्यों को रटने के बजाय उनको क्या करें कि उनको आप समझने पर बल दें। क्या करें, तथ्यों को समझने पर बल दें और उनको समझने के बाद क्या करें, अपने अंदर एक तर्क शक्ति का विकास करें। क्या करें, विषय वस्तु को समझने के बाद अपने अंदर एक तर्क शक्ति का विकास करें। उस तर्क शक्ति के आधार पर आप विषय वस्तु में अंतर करना सीखें। ये सारी चीज़ें आपके लिए सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सीटेट में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि हमें जो भी उत्तर देने हैं वो यूनिवर्सल देने हैं, केवल अपने आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उत्तर नहीं देना होता। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सबसे सही कथन कौन सा है। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेटा ये बताओ कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, तो बेटा जो थार्नडाइक महोदय हैं। कौन, थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहेंगे थार्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे और इन्हीं थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, मैं बता दूं, इनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या, इनकी पुस्तक का नाम है
शिक्षा मनोविज्ञान, हालांकि इनकी कई सारी पुस्तकें हैं लेकिन ये सबसे फेमस पुस्तक है इनकी शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1913 में प्रकाशित हुई थी। और ये इसी पुस्तक में मैं ये कह लूँ कि इनका जो प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत है वह इसी पुस्तक से प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त इनकी एक और पुस्तक फेमस है, उसको इन्होंने नाम दिया था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम दिया था? एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको नाम दिया था इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस दिया था। उसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1898 था। कुछ लोग मानते हैं कि यह इनकी पुस्तक नहीं थी बल्कि इनकी पीएचडी की थीसिस थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पीएचडी की थीसिस होती है उसको भी एक पुस्तक के समकक्ष माना जाता है, इसलिए ये कहते हैं। और ये इस बार यूपी टेट जो हुआ था वहाँ पूछा भी गया था एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, ठीक है। तो थार्नडाइक महोदय ने जो है ये किया। और क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तीसरा कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और चौथा जो आपका है वो कह रहा है कि बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता कि बच्चे केवल वही सीखें जो उनको पढ़ाया जाता है। बच्चे के रूप में आप स्वयं को पहले रखिए। किसको? आप स्वयं को रखिए और सोचिए कि विद्यालय में जब आप जाते थे तो क्या आप केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते थे जो आपको वहाँ विद्यालय में बताया जाता था? कभी ऐसा हुआ कि आपने केवल उन्हीं चीज़ों को सीखा हो जो आपको बताई गई हों? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने ऐसी चीज़ों को भी सीखा है जो कि आपको विद्यालय में नहीं बताई जाती थी। इसका मतलब ये आपका जो चौथा वाला विकल्प ये क्या होगा, ये आपका चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। कभी भी आपको लर्निंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती, बाकी जो कठिनाइयाँ होती हैं वो अन्य प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब बी वाला विकल्प बचा के विद्यालयों में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो फिर यहाँ क्या करेंगे आप? अपने आप को स्वयं को रखिए आप यहाँ पर और सोचिए कि जब आप विद्यालय गए थे तो क्या आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज थी अथवा नहीं थी। तो आपको पता चलेगा कि विद्यालय में आप जाते हैं, बहुत कुछ अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम आपको जो प्रारंभिक कौशल हैं जैसे सुनना हो जाए, है ना, क्या हो जाए, सुनना हो जाए, बोलना हो जाए, ये सारी चीज़ें ही आपको आ रही थी कम से कम। तो ये क्या है, सुनना है, बोलना, तो इसका मतलब कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज था। तो निष्कर्षता आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो बी वाला विकल्प लिखा गया ये भी क्या है, गलत है। अब बचा हमारे पास क्या, ए वाला विकल्प। ए वाला विकल्प का कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते, इसका मतलब कि बच्चे जो हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल सही लिखा गया है और शिक्षा मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही लिखा गया है। कभी कभी स्टेटमेंट देता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं या बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जीन पियाजे का कथन। किसका? जीन पियाजे का। किसका कथन है? जीन पियाजे का कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। किस सिद्धांत में इन्होंने ये बातें कही, इसका मतलब जीन पियाजे ने किस सिद्धांत में ये बातें कही? तो आप कहेंगे कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसकी चार अवस्थाओं के विषय में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, उसी सिद्धांत में जीन पियाजे ने कहा कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसका ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। यदि आप चाहते हैं किसी बालक में नैतिकता की स्थापना हो जाए तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना या शिक्षा का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो देखिए, यह केवल नैतिकता की बात नहीं है। यदि आप बालक में किसी भी प्रकार की चीज़ों को डेवलप करना चाहते, नैतिकता हो जाए या अच्छा आचरण हो जाए, अच्छा चरित्र हो जाए, तो उसके लिए बेहतर क्या होता है कि शिक्षक जो है ना वो आदर्श रूप से व्यवहार प्रस्तुत करे। हमेशा के लिए याद रखिएगा, यदि एक शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार प्रस्तुत करता है तो उसके जो शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी हैं स्वतः ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब कौन सा होगा? बी वाला होगा। आगे चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए। इसका मतलब कि हमारे और आपके मध्य एक शिक्षक जो है, एक जो शिक्षार्थी है, इन दोनों के मध्य संबंध कैसे होना चाहिए, इस विषय में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संबंध कैसे होना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो है ना संबंध स्नेहपूर्ण होना चाहिए।
इन दोनों में विश्वास होना चाहिए, एक स्टूडेंट को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे सर जो बता रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। और साथ ही साथ इनमें क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कभी हम पढ़ते हैं ना कि जो ताली होती है ना कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, अगर स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट टीचर करता है। जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछना हो जाए तो मैं कहूँगा ये तुम बताओ, खड़े हो बताओ, इसका मतलब ये क्या, ये बैड मैनर है क्या, गलत तरीका है। अगर मैं कहता हूँ आप बताइए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, इसका मतलब क्या है, सही है। जब हम आपसे विद रिस्पेक्ट बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी क्या करता है, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है। इसलिए अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के संदर्भ में तो देखिए चौथा विकल्प ये सभी का दिया गया है। और शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य का जो संबंध है उस संबंध में स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आज का अपना जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है। यानी कि एक अगर अच्छा टीचर है, एक अच्छा अध्यापक है, तो वह आप लोगों के बीच में किस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो देखिए प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा, प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देगा, या इसमें तटस्थता की भावना को। तो चार विकल्प दिए गए हैं। देखिए जो इन चारों में से मैं अक्सर आपको बता दूं कि आप सीटर जब देंगे तो कभी कभी लगता है कि चार के चारों विकल्प सही हैं। आपको क्या लगता है कि चार के चारों विकल्प सही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तव में जब चारों विकल्प सही होते हैं ना तो हमें ये देखना है कौन अधिक सही है, कौन सा थोड़ा सा कम सही है, कौन सा बिल्कुल कम सही है। जब आप इस आधार पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ए वाला विकल्प है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ए वाला जो विकल्प है वो सबसे बेहतर है कि एक अच्छा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है, तो प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है। और वह प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए, वह स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से आगे निकलना चाहे, लेकिन ऐसे करके नहीं कि हमें अपनी लकीर को बड़ी करनी है तो इनको मिटा दें। इस आधार पर कि मुझे अगर इनसे अपनी लकीर को बड़ा करना है तो मैं अपने आप को बड़ा खींच लूँ। इसलिए टीचर क्या करता है, स्टूडेंट के अंदर प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए आज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम सीटेट बेस्ड हैं, इनमें आपको कोई भी तथ्य की आवश्यकता नहीं, बस आपको केवल अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग करना है, अपने लॉजिक को देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी विशेषता क्या होगी। एज अ टीचर अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी विशेषता क्या होगी। पहला, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है। दूसरा, वह अत्यधिक संवेदनशील है। और चौथा, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। देखिए अगर वास्तव में जो शिक्षक है ना वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो आप देखेंगे कि वो जो शिक्षक है ना वो संवेदनात्मक रूप से अधिक संतुलित होगा। उसको अपनी भावनाओं पर, अपने संवेगों पर बहुत अधिक प्रभावी नियंत्रण होगा। यानी कि यदि क्लास में कोई विद्यार्थी उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर देता है तो उस अभद्र व्यवहार के लिए भी शिक्षक कभी भी रुष्ट नहीं होता है। और यदि छात्र कभी बहुत हंसने वाली बात कह देते हैं तब भी अध्यापक जो अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा कि ऐसे चीज़ों को लेकर के बहुत अधिक वह नहीं हंसता है, एक नियंत्रित रूप में वह कहीं ना कहीं अपने हंसी को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये बात सही होगी कि यदि शिक्षक जो है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी विशेषता क्या होगी कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्या है कि आज जुखाम का प्रभाव बहुत अधिक है, इस वजह से मैं आप लोगों को PDF ही नहीं दे पाया था और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस पे लॉजिक पे जितनी ज़्यादा हम चर्चा करते हैं उतना ही टाइम लेता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कल मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा तो उसमें और अधिक बेहतर चर्चा करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए शिक्षा का क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, शिक्षा जो होती है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए शिक्षा के हमेशा दो उद्देश्य होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं मुख्य उद्देश्य, क्या कहते हैं मुख्य उद्देश्य, और दूसरे को क्या कहते हैं गौण उद्देश्य। तो अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पहला वाला जो विकल्प है ना जिसमें आप ये देख रहे हैं कि लिखा गया कि मुख्य उद्देश्य क्या है, अति महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो बालक का सर्वांगीण विकास का। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले उसमें सर्वांगीण शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह परिभाषा महात्मा गांधी की है, जिसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है।
शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है। उस सर्वांगीण विकास में आत्मा, मन तथा शरीर तीनों चीज़ों को महात्मा गांधी जी समाहित करते हैं। फिलहाल जो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे शिक्षा से व्यक्ति आजीविका भी कमाता है, पढ़ता लिखता भी है, उसका बौद्धिक विकास भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वो क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो क्या होगा। अगर किसी बालक की बुद्धिलब्धि 90 से 110 हो जाए बेटा तो इसको हम कहते हैं सामान्य बुद्धिलब्धि। क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धिलब्धि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और भी दिया गया, प्रखर दिया गया, उत्कृष्ट दिया गया, प्रतिभाशाली दिया गया है। तो प्रतिभाशाली के लिए भी शायद बता दूँ कि प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनकी IQ 130 से प्लस होती है, यानी कि जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से ऊपर होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और यहाँ जो पूछा गया है 90 से 110 तो क्या होंगे आपके, सामान्य बुद्धिलब्धि, यानी कि ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बुद्धिलब्धि निकालना है बेटा तो क्वेश्चन पूछा जाए कभी कभी कि बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र क्या होगा। तो देखिए, जो बुद्धिलब्धि निकालने का सही सूत्र होता है, बुद्धिलब्धि को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेटेंट कहते हैं, यानी कि IQ कहते हैं। क्या कहते हैं? IQ। आपको इस कलर में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। आपसे पूछा था कि IQ की डेफिनेशन, IQ का फार्मूला क्या है, तो IQ का फार्मूला होता है कि MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। MA का मतलब मेंटल एज और CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि एक को हम क्या कहते हैं, मेंटल एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को हम मेंटल एज कहते हैं। क्या कहेंगे? मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बुद्धिलब्धि निकालने के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, तो ध्यान दीजिए बेटा, बुद्धिलब्धि निकालने का जो सूत्र है उसका प्रतिपादन टर्मन ने किया। चाहे इनको टर्मन लिखें ऐसे और चाहे इनको ऐसे टर्मन लिखें, हमेशा याद रखिएगा, आपको कई कंफ्यूजिंग पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है वो किसने दिया, टर्मन ने दिया। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि बेटा ये बताओ कि बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया, तो जब बुद्धिलब्धि के प्रत्यय की बात की जाएगी बेटा, किसकी, IQ के प्रत्येक जब बात की जाएगी तो उसका प्रतिपादन विलियम स्टर्न ने किया। किसने किया? विलियम स्टर्न ने किया। ठीक है, फिर कभी आगे और कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, इन बिंदुओं को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। तो यहां समझिए, जो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली है उसका तात्पर्य होता है कि सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक ये आपका सी वाला विकल्प हो जाएगा कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी कि आपकी शैक्षिक का मतलब आपकी किताबी जानकारी का मूल्यांकन और सह शैक्षिक का मतलब कि किताबी जानकारी के अतिरिक्त, यानी विद्यालय गतिविधियों के अतिरिक्त, जैसे कभी आप किसी खेल कार्यक्रम में आयोजित सम्मिलित होते हैं, आप किसी जो वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं, आप किसी सफाई के कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होती हैं, यानी कि आपकी जो स्कूल क्लासेस की जो घटनाएं होती हैं या जो चीज़ें होती हैं उनके साथ साथ जिन पे आप कार्य करते हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाए, तो इसी को कहते हैं शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य हो जाए। अब ये समझ लेते हो थोड़ा सा व्यापक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन है क्या, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं CCE कहते हैं। क्या कहते हैं? CCE। अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्टीन्यूअस, क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूअस कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कि सतत, कंटिन्यूअस का मतलब सतत, कंप्रिहेंसिव का मतलब व्यापक और इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। तो यहाँ सतत व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है बेटा उसको हम कहते हैं कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। दीक्षा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे पाता है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी कि कोई स्टूडेंट है दीक्षा, वो इस टीचर से क्वेश्चन पूछती है लेकिन टीचर उस टाइम पे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है, यानी कि हो सकता है उसको ना आ रहा हो या किसी प्रकार की समस्या हो, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, ये गलत होगा, आप कभी स्टूडेंट को चुप नहीं करा सकते हैं। दूसरा है, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता नहीं ये बटा होना चाहिए, कि शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बटा देना चाहिए, तो ध्यान भी नहीं बटाएंगे कि हाँ बच्चा जो गुमराह हो जाए, ये भी नहीं करेंगे। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्यों यहाँ पर आए हैं, इस प्रकार की चीज़ें। अब चौथा विकल्प है कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर
बाद में समझ कर देना चाहिए। देखिए अगर उस समय बहुत सारे ऐसा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है, अगर हमें उस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमें स्टूडेंट से यही कहना चाहिए कि बेटा अभी हमें नहीं याद है या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जल्दी हम इसको देख करके आपको सही जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को लाइक करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर आपको दूसरा पीडीएफ सेंड किया जाएगा, उसकी वीडियो भी दी जाएगी। फिलहाल इसको देखते रहिएगा, अपने रिव्यू आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ठीक।